आंखों में खौफ, दिल में धड़कन। पर बाबू, ये डंडा तेरे लिए नहीं है, ये डंडा है गाय के लिए। तो दोस्तों, गाय को जो है हमारी भाभी दूब रही है, वो परेशान कर रही है, इसलिए मैं उनको डंडा दे के आ गया हूँ। अब मैं इस कल्लो के साथ कर लेता हूँ अपना थोड़ा दांत ब्रेसिंग, क्योंकि यार जानवरों को भी तो पता होना चाहिए ना कि इंसान कैसे दांत ब्रेस करते हैं। तो उसके बाद मैं आता हूँ अपनी लल्ली के धोरे। लेकिन वो तो यार कुछ गाना गा रही थी जो मेरे समझ में ही नहीं आया, गंगा बजा बजा के। चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो ये है हमारे घर का गोलू, जिसका नाम रखा है हमने गोलू। तो ये बहुत ही क्यूट सा है, जो हो चुका है इस टाइम ये 6 महीने का। दोस्तों, मेरी एक छोटी दुकान भी है, जिस पर मैं मेक द शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मैंने आपको ये तो दिखा दिया, अब चलते हैं हम अपने खेत पर। अब खेत पर क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यह है हमारे गांव का शिव मंदिर। जब हम खेत पर जाते हैं तो ये मंदिर रास्ते में पड़ जाता है, जिसके कारण हमें हाथ जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे गांव का जो देख रहे हैं यूट्यूब वाले, जो आसपास के जितने भी गेहूं हैं या धान लगाए जाते हैं, उन सब में ये पानी देने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइट से चलता है, लाइट आती है हमारे तरफ रात में ज़्यादा आती है, दिन में बहुत कम लाइट आती है। तो हम रात में ही इसे चलाकर जो है सर अपना खेत है वो भर लेते हैं। तो ये तो किसी और का खेत है, मैं दिखाने वाला हूँ आज तुम्हें अपना खेत। तो चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो मैं आ गया हूँ खेत पर। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है बोंगा, जिसके अंदर भूसा स्टोर करा जाता है ताकि डंगरों को खाने में आसानी हो। ये है इधर लौकी। इस खेत में जो है लौकी अभी फूल आ रखा है, अभी लौकी नहीं आई है। और ये जो पहाड़ की तरह टीले दिख रहे हैं वो घूरे हैं, हम इनको घूरे बोलते हैं, क्योंकि ये जो है डंगरों के गोबर से बनाए जाते हैं और खेत में ही हम जाके स्टोर कर देते हैं ताकि ये खाद बन जाए। खाद बरसने के बाद फिर हम इसको खेत में बखेर देते हैं। खेत जब जुताई उताई होती है, जब खेत साफ़ हो जाता है, कुछ भी फसल नहीं होती है, तब हम इसे सारा उठा के पूरे खेत में बखेर देते हैं। तो इसको जो है घूरा बोला जाता है। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी चलते हैं, हम दिखाते हैं जो हमने अभी आपको ट्यूबवेल दिखाया था, उस ट्यूबवेल का जो है पानी आता है वो कहाँ आता है, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो जो ट्यूबवेल का पानी आता है वो इस जगह आता है, काफ़ी जो ज़मीन के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई है, ट्यूबवेल से पाइप में जो पानी आता है ज़मीन के अंदर से, वो इसमें आता है। इधर ये होदिया बनी हुई है, ये एक मुंह इधर की साइड है और एक मुंह इसका का इधर की साइड है, एक मुंह ये इधर की साइड है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये बंद करने का और ये खोलने का सिस्टम है। अगर इसको हम कस देंगे तो बंद हो जाएगा और खोल देंगे तो चालू हो जाएगा। तो ये जब लाइट आती है तो चल जाता है। अभी हमने पानी लगाया था कल, ये देखो तो थोड़ा बहुत अभी पानी है खेत में। तो अब कल को जो है हम धानों की यह घास उस निकालेंगे। तो थैंक्स फॉर यू फुल वॉचिंग ब्लॉग एंड सी यू लेटर नेक्स्ट ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।